नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोजगार का कहा जाए, जो सबसे गरीब तबका का परिवार है या मध्यम वर्ग का परिवार है जिनके लिए रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, उसमें बकरी पालन हो या कुक्कुट पालन एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। और इसमें सरकार की जो योजनाएँ हैं वो भी काफ़ी मददगार साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है बकरी पालन से, यानी कि जो बेसिक बकरी से जुड़ी हुई रोग या कुछ चीज़ें हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर जगह वेटनरी डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं। तो उन जगहों पे जो बुनियादी जो प्राथमिक उपचार होता है वो कहीं ना कहीं अब जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं वो करेंगी। और इसमें भारत सरकार का एक योजना ए हेल्प है वो कार्य कर रहा है और उसी को लेके हम आज बात करेंगे। और तमाम जो हमारे पीछे देख रहे हैं जीविका हैं और ये सब बिहार के अलग अलग जगहों से आई हुई हैं और इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है बिहार वेटनरी कॉलेज में। और हमारे साथ कुछ लोग सर हैं, तो पहले सर से समझते हैं कि ये हेल्प है क्या और उसके बाद फिर हम महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर जयवर्धन और मैं यहीं बिहार सरकार का चिकित्सक हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पशु सखी हैं, ये जीविका से चयनित हैं और ये ऑलरेडी फील्ड में बकरी पर काम कर रही हैं, जैसे वैक्सीनेशन करना है, डिवर्मिंग कराना है, ये सब ये गांव में बकरी को अपना गांव में अपने स्तर से इलाज करती हैं और डॉक्टर के सहयोग से ही करती हैं जो जीविका के डॉक्टर होते हैं। तो भारत सरकार ने एक प्लान बनाया कि भाई गाँव में जब महिलाएँ इतने एक्टिव हैं तो क्यों नहीं बड़े जानवरों के लिए भी इनको प्रशिक्षित किया जाए। तो भारत सरकार का डेयरी पशुपालन डेयरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, NDDB ये और सेम डिपार्टमेंट बिहार सरकार का ये मिलके ए हेल्प पैक प्रशिक्षण जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो ये सखियों को हम लोग जीविका से बुलाते हैं जो कि ऑलरेडी बकरी पे काम कर रही होती हैं। तो इनको हम लोग 16 दिन का ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम लोग इनको जो बड़े जानवरों जो मुख्य बीमारियाँ हैं उनको फिर कैसे किस तरह से हम खाना खिलाएंगे जो 70% कॉस्ट आता है, तो उसके लिए कैसे राशन बैलेंसिंग करेंगे ताकि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो, और कौन सी बीमारियां उसको कैसे इथनो वेटनरी मेडिसिन के पारंपरिक तरीके से कैसे इलाज करेंगे वो इनको हम लोग सिखाते हैं। तो सर, ये मतलब बकरी से जुड़े हुए जो प्राथमिक हम कहेंगे नॉर्मल जो कहीं ना कहीं सिम्टम्स शुरुआत में दिखाते हैं जो हर जगह वेटनरी डॉक्टर पहुंच नहीं पाते या जानकारियां नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में शायद मतलब बिल्कुल ऐसा क्या है ना कि जैसे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जहाँ हॉस्पिटल है तो एक बड़ा एरिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी स्टाफ की कमी हो जाती है या कभी कभी एक डॉक्टर बहुत दूरी तक नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से। तो हमारे यहाँ जो पशु सखी ग्रामीण स्तर पर 24/7 के तहत मतलब डॉक्टर और ग्रामीणों के बीच के एक संपर्क कड़ी के रूप में काम करती हैं जिससे कि हमारा समन्वय ग्रामीण स्तर पर अच्छे से हो पाता है और हम लोग जाना अच्छे से वहाँ पे इनको ग्रामीणों को तक अपना इलाज पहुँचा सकते हैं। बकरी से जुड़ने के बाद बड़े मतलब गाय या भैंस को मैं कह सकता हूँ, अब गाय भैंस भी इन पर जोड़ा गया है कि बकरी पर तो काम कर ही रही हैं और ये काफ़ी अच्छा है जो पूर्व में हम लोग ट्रेनिंग दे रखे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो कि हमारे पास उसकी जानकारी आती है। ये हेल्प से जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो जीविका से जो काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उनको अगर इसमें पशु सखी के तौर पर उनको चयनित करना है क्या प्रोसेस? ये इसमें क्या है ना, जीविका का जो चयन करते हैं जीविका के लोग चयन करते हैं वो लोग पहले प्रशिक्षित करते हैं कुछ अपने जीविका जो दीदियाँ हैं उनसे, कुछ खास क्राइटेरिया होगा उनका ये तो मेरे को पता नहीं है उनका, उससे वो अपना चयनित करके उनको ट्रेनिंग देते हैं बकरियों में काम करने के लिए। तो फिर वो प्रशिक्षित रहती हैं बकरी के लिए, तो हमारा कैटल के लिए बहुत ज़्यादा उनको फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनाटॉमिकल समझाते हैं जो जानकारी देते हैं तो अपना कर लेती हैं, उनको वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट वगैरह सब सिखाया, टैगिंग रिकॉर्ड कीपिंग सब ये हम लोग सिखाते हैं। और भी सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर दुष्यंत सर हैं। तो सर, ये जो बड़े जानवरों का है कहीं ना कहीं बकरी पालन और एक गाय तक पहुंचने का, तो कैसे देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना है? देखिए, मैं अभी एक इनका क्लास भी ले रहा था तो मैं इनको यही बताया कि जो बकरी पालन हो चाहे पशुपालन हो चाहे बड़े जानवर का पालन हो, वो आप इनको रखा गया है मेनली एक तरह से डॉक्टर और इनके बीच की कड़ी पशुपालक के। लेकिन मैं कहा कि आप अगर पशुपालक से आप मिल ही रहे हैं तो उसको जागृत भी करिए, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं कि जीविका संसाधन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं कहा कि जितना से ज़्यादा स्टार्टअप लोग चालू कर सकें तो आप उनको किसानों को भी जो पशुपालक उनको प्रेरित करिए कि स्टार्टअप भी चालू करें, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कई लोग स्टार्टअप चालू करके बहुत अच्छा, जैसे साहिवाल का मिल्क का ही 120 रुपये किलो तक बिक रहा है, लेकिन पशुपालकों को अभी भी 25 रुपये 28-30 रुपये पे काम करना पड़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ना उनके पास कोई प्रॉपर चैनल है उस मार्केटिंग का,
नहीं तो ये लोग मार्केटिंग के चैनल में हेल्प कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए पशुपालकों को प्रेरित कर सकते हैं, और अब खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं तो खुद भी स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। सर आप तो बकरी पालन और बड़ा रखे हैं, तो क्या देख रहे हैं इनका अभी? देखिए अगर इनकी बात किया जाए तो ये एक बहुत बढ़िया योजना है भारत सरकार के द्वारा। इसको अगर जैसा कि सर ने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताया, क्योंकि भारत सरकार की जो भी योजना है या बिहार सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना, जैसे टीकाकरण हुआ, जो संक्रामक रोग से बीमारी से बचाव के लिए जो टीकाकरण होता है, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसके बाद ईयर टैगिंग हो गया, पशु बीमा कराना है उसमें इनका रोल है, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो भी योजना है उसमें इनका काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। ये तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हुआ। अगर हम लोग इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक जो पारिवारिक संवर्धन की अगर बात करें तो इनका बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है, एक क्योंकि एक रोज़गार जनरेट हो रहा है। अगर एक परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों अगर अर्न कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सा बात है कि वो फैमिली इजीली प्रोग्रेस करेगी, और ये एक बहुत बढ़िया जरिया है। एक्चुअली ये लोग पहले से भी काम कर रहे हैं इसमें, और जब ये लाइव स्टॉक मतलब बड़े जानवर में जब जुड़ जाएंगे तो इनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और जो चिकित्सा का जो स्टार्टिंग का जो प्राथमिक चिकित्सा जो होता है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा फील्ड लेवल पर। तो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। उसके तहत ये इन लोगों का क्षेत्र भ्रमण का प्रोग्राम था, तो आज इन लोगों का क्षेत्र भ्रमण, ये क्या कहते हैं, कैटल फार्म का भ्रमण कराया गया है। इसमें विभिन्न नस्लों के बारे में, उनकी पहचान, जो दाना जो संतुलित आहार बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बाकी विशेष इन लोग बताएंगे आपको। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? बारुन प्रखंड काजी चक मेरा गाँव हुआ, जिला डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई हुई? तो मेरा नाम निखत परवीन। क्या अभी पहले क्या कर रही थी आप? बकरी के जैसे हम लोग को चयनित किया बकरी पे काम करने के लिए, पशु सखी जिसको बोलते हैं उस पे हम लोग काम। क्या करती थी? तो बकरी का वही डिवानिंग, और ये जैसे ये फील्ड में आप जाती थी? फील्ड में जाते हैं, अभी भी जाते हैं, अभी भी काम करती हूँ। एक क्षेत्र में कितना बकरी उकरी है? बकरी पालन बहुत सारे बकरी पालन कर रखे हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ दिक्कतें तो पहले जैसे शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई समझाने में, दीदी लोग को जैसे गए दरवाजे पे तो बोलने लगे, दीदी हम लोग को चयनित किया गया है जो बकरियों में जो संक्रामित बीमारी जो फैल रही है उसको बचाव के लिए हम लोग डिवार्निंग पिलाएंगे, उसके बाद में वैक्सीन साल में दो बार देना होता है। आप खुद कर लेते हैं? जी कर लेते हैं। PPR का फरवरी माह में हुई, और फिर ET का आएगा मौनसम से पहले, तो वो सब जैसे सारे ट्रेनिंग हम लोग को दिया गया जीविका के माध्यम से किए हैं सर, तो उस पर हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सर। तो कैसे करती हैं इसको, कैसे अपना आपका अर्थ जीविका उपार्जन कैसे होता है? आप लोग का पर टीका पे पेमेंट होता है, कैसे होता है? खुद मतलब जो देने जाते हैं उन लोग से बकरी पर 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये आप लोग लेते हैं बकरी पे? टीकाकरण पे। तो गांव में क्या स्थिति है? गांव में तो ऐसे ही बहुत लोग रहते हैं जो बहुत लोग जल्दी टीकाकरण लगवाते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि बीमार हो जाए, कि मेरा बकरी का तबीयत खराब है इसका टीका लगावे। बहुत ऐसा परेशानी आता है, लेकिन फिर भी उनको समझाते हैं 2-4-10 लोग, करते 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 दिलवाती है, जागरूक हो रही है अभी थोड़ा थोड़ा अभी। आओ आप लोगों के लिए जो योजना है या जो प्रशिक्षण मिला हुआ है कितना बेहतर मान रही हैं? पहले क्या करती थी? पहले तो घर में बैठे रहते थे। तो कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? साल भर से जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने के बाद क्या लग रहा है कि अच्छा लग रहा? तो कितना महीने में कितना कर लेती हैं? 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते हैं महीने में। 2-3 हज़ार जी। अगर ये पशुओं का बड़े जो पशु का प्रशिक्षण आपने आए बिहार वेटनरी में आप आई हुई हैं, तो जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो इसका कितना फिर बेहतर होगा? और उससे भी दोगुना बेहतर होगा, उससे अच्छा कमाई होगा। कई जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वेटनरी के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, और इसी का एक सफल परिणाम है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो कभी गांव के घर के अपने उस चौखट के अंदर ही रहती थी, अब वो चौखट से बाहर निकल रही हैं, और एक अलग पहचान के साथ इनकी एक अलग पहचान हो रही है, और साथ ही साथ इससे काफ़ी खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि जीविका अब जो कभी पशु सखी बनी अब ए हेल्थ वर्कर के साथ वेटनरी के क्षेत्र में एक बेहतर काम करेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।